आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। आइए रुक करते उत्तर प्रदेश के कुछ खास खबरों की ओर। यूपी में बीजेपी विधायक दल की बैठक अब 24 मार्च को होगी। इस बैठक में विधायक अपना नेता चुनेंगे जो बाद में यूपी के मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। इस बैठक के लिए इस बार अमित शाह को पर्यवेक्षक बनाया गया है। उनके साथ झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास को भी पर्यवेक्षक बनाया गया है। 25 मार्च को शाम 4 बजे लखनऊ के इकाना स्टेडियम में बीजेपी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह है, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी समेत अखिलेश यादव और मायावती तक को आमंत्रित किया गया है। वैसे तो यूपी में बीजेपी विधायक दल के नेता का चुनाव बस एक औपचारिकता भर है। योगी आदित्यनाथ को फिर से नेता चुना जाना तय है, पर अमित शाह के पर्यवेक्षक बनते ही एक बड़ा इवेंट बन गया है। अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 24 मार्च को दोपहर को विधायक दल की बैठक होगी, उसमें पहले सभी जरूरी फैसले कर लिए जाने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में चल रही राजनीतिक बयारों के बीच ओम प्रकाश राजभर के एनडीए में वापसी की चर्चा जोरों पर है। ऐसे में बलिया सदर से नवनिर्वाचित विधायक और प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह ने ओम प्रकाश राजभर को भाजपा में आने का ऑफर दिया। वहीं मुरादाबाद से सपा सांसद एसटी हसन के द कश्मीर फाइल्स पर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि इस पिक्चर को उस समय की फाइलों के आधार पर सत्य पर बनाया गया है। देश को ये जानने का अधिकार है कि कश्मीरी पंडितों के साथ कितना अत्याचार हुआ है। वहीं दयाशंकर सिंह ने भी जनता से द कश्मीर फाइल को देखने की अपील की है। मैं शुरू से कहता हूं कि माननीय ओम प्रकाश जी का जो भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी है, वो उसका जो गठबंधन हुआ था समाजवादी पार्टी के साथ, वो बेमेल गठबंधन था। उनकी जो कहीं नेचुरल गठबंधन है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ होगा, और ये मैं पहले भी कहता था और आज फिर कह रहा हूँ। क्योंकि देखिए माननीय ओम प्रकाश जी हम लोग के साथ जब लड़े थे तो 8 सीट में 4 सीट पाए थे और इसमें 18 में से वो 6 पाए हैं, तो उनका ग्राफ गिरा ही है। भले ही उनका सीट बढ़ी है लेकिन उनका ग्राफ गिरा है, और हम लोग के साथ वो 8 सीटों पर लड़े थे और 4 सीट पाए थे, अब 18 पर लड़ करके वो 6 पाए। तो उनका जो गठबंधन है वहाँ पर गठबंधन जो है बेमेल था। वही रायबरेली में खेतों की रखवाली कर रहे किसान की धारदार हथियार से काट कर हत्या कर दी गई। हत्या के पीछे जमीन के विवाद की बात सामने आ रही। अपर पुलिस अधीक्षक ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। ये मामला महाराजगंज थाना इलाके के मदनखेड़ा गांव का है। सूचना पाकर मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक समेत भारी पुलिस बल पहुंची। परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया, हथियारों की तलाश में जुट गई। रात में कत्ल हुई है सर। क्या नाम है जिसका कत्ल हुआ है? शत्रुघ्न। कौन है आपके? पिता। कहाँ रहने वाले हो? मदनखेड़े। कैसे पता चला आपको? आपको पता सर इसी चला, जब सिविल लड़का भेजे कि जाओ बाबा को जगा लाओ जाए, तो लड़का आवा तो देखे तो खून बह रहा, तो बताई जाए पापा उनके तो बांधे खून बह रहा। बांधे भी थे क्या उसमें चार पाए में? जैसे वही कुर्ता से लपेटे रहे। अच्छा, मून दिन रहा तो यो आवाज खोल के देखे तो भाग पता ही जाए पापा हमारा बाबा खून बह रहा। एक वृद्ध जो जिनकी उम्र 65 वर्ष है और उनका नाम शत्रुघ्न पाल है, और उनकी तेज धार हथियार से किसी ने हत्या कर दी है। इस सूचना पर SHO महाराजगंज, CO महाराजगंज और फॉरेंसिक की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और घटनास्थल के निरीक्षण से ये पाया गया कि वहाँ पर ये वृद्ध जो शत्रुघ्न पाल है, ये अपने घर से करीब 500 मीटर की दूरी पर एक मड़िया बनाकर खेतों की रखवाली करने के लिए मच्छरदानी में सो रहे थे, और उसी मच्छरदानी के ऊपर से ही किसी ने तेज धार से हथियार करके उनकी अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या कर दी। इस संबंध में इनके पुत्र द्वारा एक तहरीर पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। खबर फरीदाबाद से है, जहां प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने राजकीय कन्या आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की 4 मंजिल इमारत की आधारशिला रखी, और साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आधार
का आभार प्रकट किया। इस दौरान परिवहन मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूरा करने का काम किया है। मैं सबसे पहले स्वागत है प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी का और केंद्रीय मंत्री केशवपाल गुर्जर जी का धन्यवाद करूंगा कि 8.5 करोड़ की लागत से बिल्डिंग तैयार होगी और जो फर्नीचर का जो 1.5 करोड़ का होगा वो अलग होगा और ये बिल्डिंग बन के आने वाले 14 महीने में तैयार होगी और बेटियों का ये सबसे बड़ा स्कूल है और 3,500 बेटियाँ यहाँ पढ़ती हैं और आने वाले समय 4 मंजिल जब बल्कि स्कूल तैयार होगा और बल्लम की तमाम बेटियाँ इस स्कूल में शिक्षा ग्रहण करेंगी और बल्लड़ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। और मैं हम कह सकते हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में जिस तरह शिक्षा के क्षेत्र में 3-3 स्कूल 1-1 कॉलेज प्राइमरी स्कूल जो हमको मुख्यमंत्री दिए मैं मुख्यमंत्री का धन्यवाद करूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र। खबर बलिया से है जहां होली पर जय श्री राम का नारा लगाने पर दबंगों ने गरीब परिवार की जमकर पिटाई की जिससे परिवार के 2 लोग बुरी तरह से घायल हो गए और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर पिटाई का आरोप लगाए। वहीं आक्रोशित बीजेपी विधायक ने कहा इसका खामियाजा राम गोविंद को भुगतना पड़ेगा। तो साहब हम लोग खाना खाते थे वो इलेक्शन के कुल लेकर के विषय में झमेला कर दिया लोग। क्या बोले आप लोग? जय श्री राम बस यही बात हम लोग बोले। अच्छा जय श्री राम बोले उसके बाद? जी हाँ मारा शुरू कर दिया इसको पहले तो जब हम छुड़ाने गए तो हमको भी दबा दिया नीचे भाई हड्डी उड्डी मैं टूट गुल गया। खाली बस इतना ही कहना बोल रहा था कि जय श्री राम कह रहा है हम बोले कि जय श्री राम तो मारने लगा। कौन मारने लगा? वो एक पंडित है या विनोद पांडे क्या नाम है? विनोद पाणे है। एक पारा चौधरी का लड़का है अहिर है वो। इस बात जय श्री राम कह रहे हैं? हाँ लेकर ये 10 बजे रात को सा है। आज 10 बजे रात को 19 तारीख को। तो अभी आप लोग कहीं गए थे? नहीं अभी नहीं साहब। तो कितने लोगों को चोट आई है? हमारा ये दोनों आदमी ये हमारा फैमिली का हमारा मेहरारू का। कितने लोग थे हमारे? देखिए मैं तो बड़ी अचंभित हूँ कि इनकी इतनी बड़ी जनता ने इनको सबक दिया कि तुम्हारे आतंक को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे उसके बावजूद ये समझने को समाजवादी पार्टी के गुंडे तैयार नहीं हो रहे हैं। और मैं ये हमारे कुछ समर्थक हैं जो यादव जिलों के गांव में रहते हैं जितौरा गांव है एक और वहां पे कुछ एक पक्ष हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी के साथ और एक पक्ष समाजवादी पार्टी के साथ है। ये जो 2 गरीब बेचारे मजदूर हैं इनका दोष बस इतना था कि इन्होंने प्रेम प्रेम में एक दूसरे को जय श्री राम कह के और एक दूसरे को संबोधन किया और सिर्फ मात्र जय श्री राम बोलने की वजह से इतना मारा गया कि उस बुजुर्ग आदमी की अतड़ियां टूट गई। और मैं यह बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। आज तक जो होता था माननीय राम गोविंद चौधरी जी आपके कार्यकाल में जो होता था गरीबों के साथ वह केतकी सिंह के कार्यकाल में नहीं होगा। रायबरेली में थाना नसीराबाद गांव के कनपुरिया मजरे कुंवर मऊ के ज्वालपा प्रसाद सत्संग सुनने के लिए मोटरसाइकिल से जा रहे थे जिसके बाद अचानक हार्ट अटैक आने से युवक मोटरसाइकिल से गिर गया और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। लोगों ने तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस ने एम्बुलेंस बुलाकर ज्वालपा प्रसाद को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए जहाँ पर डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को परिजनों को सौंप दिया। खबर एटा से है जहां पर पुलिस की मौजूदगी में फायरिंग और पथराव की गई है। हुरियारे वैश्य समाज के लोगों को जमकर अराजक तत्वों ने निशाना बनाया है। 10 व्यापारियों को गंभीर चोटें आई हैं। आरएसएस के नगर कारवाह गौरव कुमार के बहनोई की गाड़ियां पुलिस की मौजूदगी में तोड़ी गई। वैश्य समाज के लोग बारदारी अमापुर का क्रमिक अनशन पर बैठे तो वही अराजक तत्वों की गिरफ्तारी तक बाजार बंद रहे। स्थिति इस मामले में बनी है। कल अमापुर नगर में होलिकोत्सव का कार्यक्रम था जिसमें बच्चे होली मना रहे थे। नगर के कुछ अराजक तत्व जिनसे जुड़े हुए ग्रामीण क्षेत्र के कुछ लड़के जो अराजकता का नंगा नाच पूर्व में भी कर चुके हैं उनके द्वारा जबरदस्त फायरिंग पथराव लाठी डंडों से लैस जिनके वीडियो वायरल हो रहे हैं उनके द्वारा घटना को अंजाम दिया गया है।
इस संदर्भ में नगर कारबा आरएसएस गौरव कुमार गुप्ता के द्वारा एक प्रार्थना पत्र थाना अमापुर पर दिया गया, जिसमें मुकदमा दर्ज हुआ है। मुकदमा दर्ज होने के बाद अभी तक किसी भी मुलजिम की कोई गिरफ्तारी सुनिश्चित नहीं हुई है, तो आगामी कार्रवाई जो पुलिस के द्वारा शिथिलता बरती जा रही है उसको। सीएम ने आज पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की। सीएम ने कार्यक्रम स्थल पर लगे स्टॉल का निरीक्षण किया। सीएम ने स्टॉल पर मौजूद बच्चों को गोद में लेकर माला पहनाकर अन्नप्राशन किया, फिर कार्यक्रम में शिरकत कर हरी झंडी दिखाकर पल्स पोलियो अभियान का शुरुआत की। अपने चार दिवसीय दौरे पर आए सीएम योगी आदित्यनाथ ने चौथे दिन गोरखपुर के जिला अस्पताल पहुंचकर पल्स पोलियो महाअभियान की शुरुआत में शिरकत की। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने से पहले सीएम योगी ने वहां पर लगे स्टॉलों का निरीक्षण किया और साथ ही एक स्टॉल पर कुछ बच्चों को गोद में लेकर उन्हें माला पहनाकर उनका अन्नप्राशन भी कराया। इसके साथ मंच पर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ का स्वागत किया गया और फिर मंच पर से ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने तकरीबन 10 बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक पिलाई और दो बूंद जिंदगी का मतलब भी उनके अभिभावकों को बताया। साथ ही उन्हें गिफ्ट भी दिया और सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंच से अपने उद्बोधन में इंसेफ्लाइटिस, कोरोना वायरस, पोलियो को लेकर चर्चा भी की और उन्हें बताया कि किस तरीके से हमारी सरकार ने इंसेफ्लाइटिस का खात्मा कर दिया। तकरीबन 95 लगाम लगा दिया गया है। ऐसे में आज पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाकर की। 70 के आसपास सचल टीम अलग अलग जगहों पर भ्रमण करेंगे और दो बूंद जिंदगी का मतलब लोगों को समझाएंगे। बात पल्स पोलियो की करें तो तकरीबन 3,80,00,000 बच्चों को डोज लगना है, जिनमें से 1.10 बूथ बनाए गए हैं। इन सभी बूथों पर इन्हें पल्स पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। इस दौरान जिन अभिभावक के बच्चों को पोलियो ड्रॉप सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथों से पिलाया, उनके अभिभावक पर चेहरे पर खुशी साफ देखी जा रही थी। उनकी मां ने तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनके बच्चों को आशीर्वाद दिया और उन्हें गिफ्ट भी दिया, साथ ही उनका हालचाल भी पूछा है। ऐसे में ये अभिभावक इसीलिए भी खुश हैं कि उनके छोटे से बच्चे को आशीर्वाद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दे रहे हैं। पल्स पोलियो की अभियान योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के जिला अस्पताल से की है। इसके साथ ही 3,80,00,000 बच्चों को डोज रोज पिलाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे पूरा भी कर लिया जाएगा। और इसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ सभी लोगों की जिम्मेदारी तय की है, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, आम लोगों को स्वास्थ्य विभाग हो या फिर जिला प्रशासन हो, सभी की सहभागिता से इस अभियान को पूरा करने का योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।